मग लिए हमने चाय के लिए, साथ मेरी बेटी सब्जी बना रही है अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चूल्हा सेट कर लिया है, अभी चूल्हा सेट किया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम सब ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। तो जिन्हें हम लोग शुरू करते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बीमारों की शिफा दे, फिर उसको रोजी दे, बेलो तक औलाद दे, और हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। तो जी आज जा रहे हैं रिजा लोगों के कपड़े लेने सदर मार्केट, वहीं से मैं लेती हूँ ज़्यादातर इनके कपड़े, बहुत कम ही इनके मॉल में जाती हूँ, ज़्यादातर मैं वहीं से मुझे पसंद आते हैं, वहीं से मुझे अच्छे लगते हैं। दो शॉप्स हैं जहाँ से मैं लेती हूँ, तो भी चलते हैं भाई, चले इनका कहना मानते हैं, लेके देते हैं, चले साल बाद आती है ईद, अगले साल ज़िंदगी हो ना हो, तो चलें बच्चे हैं, बच्चों की तो ईद होती है ना, बड़ों का क्या है, बड़े पहने ना पहने लेकिन बच्चों की। ये देखें जी आए हुए हम लोग बर्तन लेने, कपड़े तो ले लिए इन लोगों के, इन लोगों ने कपड़े अपने ले लिए, फिज़ा ने इन्हें बनाया हुआ है, फिज़ा को चाहिए फैंसी कपड़े रेशमी, वो मैंने नहीं लिए, गर्मी लगेगी उसमें, अभी बस थोड़ी सी बर्तन लेने, थोड़ी चीज़ें लेने, मैंने कहा वो ले लेते हैं, है ना। आ गए जी मार्केट से होके, अगले दिन के कपड़े लेके, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें लेने थी लेके आ गए। इतनी गर्मी थी ना, शदीद गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी, अबाए में ऐसे पसीना पसीना हो गया, गला मेरा ऐसा खुश हो रहा था। मैंने हस्बैंड को मैंने कहा जूस पिलाएं, मैं तो फालसे का वहाँ बैठ के ठंडा ठंडा जूस पिया, फिर गए फिर दूसरी शॉपिंग की, बाकी सारी चीज़ें ली, थोड़े घर के बर्तन भी लेने वाले थे वो भी लिए हैं, और इनके कपड़े भी ले आए, इनके जूते भी लिजा फिजा के ले आए। अब खुश हो? बहुत ज़्यादा। ये देखें जी ये इनकी शॉपिंग, ये हैं लीजा के कपड़े, दिखाओ आप अपने कपड़े जी। ये है लीजा का सूट और आप अपना दिखाओ, और ये है फिजा का। अब से पंजाब से आई है ना, पता नहीं क्या इनकी दोस्तों के साथ कुछ मशवरा किया है, पता नहीं क्या, आप ब्लैक सूट लेने हैं तो ब्लैक सूट लेने हैं बस। और ये मैंने लिया है फिजा के लिए, दूसरे दिन के लिए लिया है मैंने, ये लिए मैंने इसके लिए टाइट्स लिए, और साथ में मैंने ये शर्ट लिए, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, दूसरे दिन लीजा फिजा ये पहन लेगी, है ना जी। अच्छा लगा है ना ये वाला। और ये लिए हमने बेडशीट, ये मैंने बेडशीट ली, मैंने कहा चलो ईद है तो नहीं बेडशीट भी ले लेते हैं, काफ़ी अर्से से मैंने बेडशीट वैसे ली भी नहीं थी तो ये बेडशीट ली है। हाँ जी दिखाओ अपनी ज्वेलरी वगैरह, ये लाए हैं, ये टॉप्स हैं इनके दोनों के, काफ़ी सारे हैं, दोनों मिलके पहन लेंगी चेंज करके ना, ये सारे टॉप्स हैं इनके। और ये मैंने अलीज़ा के लिए ये लिए, और ये फिज़ा रानी की, ये फिज़ा रानी के लेके आए हैं, और ये भी फिज़ा के, और ये मैंने लिए अपनी बड़ी बेटी के लिए बुंदे, ये मैंने आपके लिए लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे तभी। दिखाओ यहाँ लाओ, और ये इन्होंने लिए भाई खुद से लिए हैं सूट के साथ, ये ब्लैक वाले लिए, आप दिखाओ अपने फिज़ा रानी। भाई फिज़ा को तो मिल नहीं रहा था, मैंने कहा दोनों के ना एक जैसे मिल जाएं, लेकिन दोनों के एक जैसे नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से यानी कि ये मिला है, फिज़ा का साइज़ ही नहीं मिल रहा था, यानी कि छोटा साइज़ बड़े थे ज़्यादा था। और ये फिज़ा का नेकलेस ये लेके आए हैं, चलो जी अब खुश हो, चलो हो गया, अब मेरे मेरे घर की मेरी चीज़ें दिखाओ आप, मेरे ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ चाय के लिए, ये चाय के लिए लाई हूँ, और ये जैसे कुछ छाना होता ना छोटा बहुत चीज़ें छाननी पड़ जाती हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये नहीं थी, छन्नी नहीं थी, एक मैंने ये ली है। और ये हमारा लहसुन अदरक कूटने के लिए डंडा टूट गया है, पहले वाला बर्फ़ तोड़ के ना मेरे हस्बैंड ने ना तोड़ दिया है, तो ये नया लाइक लेके आए हैं, और ये छानी लाए हैं चाय वाली, और ये देखें ये दी चम्मच, ये चम्मच ये लिए हैं क्योंकि घर से पता नहीं चम्मच मेरे कहाँ गायब हो गए हैं, घर में से खुद ब खुद चम्मच गायब हो जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आई,
तो मेरे सेट तो है वैसे, पूरा सेट है, लेकिन मैंने कहा अलग से भी होने चाहिए ना रेगुलर जो यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो फिर 6 चम्मच मैंने लिए हैं। और ये लिए है लेटर चूल्हा जलाने के लिए, और ये लिए 2 कटोरे लस्सी वगैरह पीने के लिए, ये 2 कटोरे लिए हैं, और ये 2 मग लिए हैं हमने चाय के लिए। साथ मेरी बेटी सब्ज़ी बना रही है, भी आलू और भी बनाएंगे सालन। तो ये फिज़ा ने उठाया है, तो शॉप वाले भाई ने बोला ऐसे ले जाए मेरी तरफ से, ये उन्होंने दिए गिफ्ट दिया है। और ये 2 मग हैं, और वो 2 मैट लाए, दिखा मैट दिखा बेटा, और ये 2 मैट लेकर आए हैं, एक आप लोगों के कमरे का, एक हमारे कमरे का वॉशरूम के लिए, ठीक है जी। ये वॉशरूम में रखने के लिए। तो जी एक और चीज़ लेके आए हैं जो कब से मुझे लेनी थी, तो मैं ले नहीं सकी थी, पसीना इतना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो कब से ये मेरा दिल की ख्वाहिश थी कि मैं ले कर आऊँगी अपने घर के लिए चूल्हा, तो मैंने नहीं लिया था। फिर मैं रूम कलर मैंने सेल किया है, क्योंकि रूम कलर जो हमारे इस्तेमाल में नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था तो ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा इससे अच्छा है उसको सेल कर देते हैं, तो वो मैंने सेल किया है, मेरे भाई ने लिया है, वो पंजाब हमारे पास वहीं आ गया था अम्मी के घर पे, तो जो मेरे पैसे थे मैंने कैसे ज़ाया नहीं करूँगी, मैं उसके बदले में घर का चूल्हा ले कर आऊँगी, तो मैं घर का चूल्हा लेकर आई हूँ। ये देखिए जी, ये लाए हैं हम चूल्हा, अभी इसको खोलेंगे, मेरे हस्बैंड सेट करेंगे, अभी करेंगे या सुबह करेंगे, अभी कल, चलो सही कह रहे हैं कल करूँगा। तो ये चूल्हा लेके आए हम। चलें जी अभी ना बहुत ज़्यादा थक गए, अभी जब तक चाय नहीं पियेंगे ना तो सुकून नहीं मिलेगा, अभी चाय बनाते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं, और फिर खाना भी साथ साथ बनाना है, खाना भी बन रहा है। गर्मी कितनी थी, हाय 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 बड़ी गर्मी। खाना हमारा तैयार हो गया, अभी खाना खाने लगे हैं। आज हमने बनाए हैं भाई आलू अरबी बनाई है, इसे एक कचालू भी कहते हैं, ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने वही हैं, हम तो इसे वैसे अरबी कहते हैं, आलू अरबी खाते हैं। खाना अभी आ जाओ फिजा, क्या हुआ, खाना नहीं खाना है, पेट में दर्द है, पेट में इसलिए दर्द हो रहा है फिजा को कि फिजा कह रही है मुझे आलू अरबी नहीं खानी है, तो मैंने बोला सारा दूसरा रखा हुआ है चिकन का, उसके अंदर शोरबा डाल के खा लो। आलू अरबी का मुझे पता नहीं था, उससे पहले पेट में दर्द है, खाना नहीं खाना, चलो ना चलो हम तो खाना गए, चलें जी खाते हैं खाना, थक गए अभी खाना खाएं फिर चाय पिए, चाय पियेंगे तो सुकून मिलेगा। ये देखें खाना खाया है, चाय पिए, और मेरी बेटी फिज़ा देखें सारा काम कर रही है, सारे बर्तन फिज़ा ने धोए हैं, और यहाँ से पोंछा भी लगा है पूरे कमरे में, क्योंकि यहाँ पे सोना है ना, अभी हमने बिस्तर लगाने गद्दे बिछाने हैं, तो यहाँ से पोंछा भी लगाया है कि मिट्टी वगैरह ना हो तो गद्दों को मिट्टी ना लगे। तो ये देखें फिजा अलीजा के काम, अलीजा आप उसको मार क्यों रही हो फिजा को, जब उसने सारा काम, आप तो आंटी के पास चली गई थी, मैं ना जाके लेट गई चाय पी के, थक गई थी साहब जरे शॉपिंग करने गए, भले थोड़ी सी की है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बाहर जाऊँ ना मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं जाके ना लेट गई चाय पी के, मैंने कहा अलीजा आप जाओ बेटा बर्तन धो लो और पोंछा लगा लो, और ये ऊपर चली गई आंटी के पास, तो अकेले लोगों के घर पर, और फिजा ने सारा काम किया है, और अभी आके उसके साथ लड़ाई भी कर रही है, उसको तंग भी कर रही है। बोतलें भी लेके आए हैं पानी की फ्रिज में रखने के लिए, मेरी बेटी वो भी धो रही है, धो के भर के रखते हैं, है ना फिजू, हाँ आप छोड़ दो मैं धोती हूँ, मैं आ गई मेरा बच्चा मैं करती हूँ, कह रही नहीं मैं करूँगी आप नहीं करो मामा मैं करूँगी। चलें बस इस सुबह इनकी कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को, अभी बस बोतलें वगैरह पानी की भर के रखती हूँ, जो चीज़ समेटने वाली समेटती हूँ, फिर सोती हूँ, नींद आ रही बहुत ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह से अभी हमारा नया चूल्हा खुल रहा है, फिज़ा कर रही है ओपन, है ओपन कर रही है, फिज़ा खोल रही है, कह रही मैं खोलूँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है। चले निकालें अब इसको निकालते हैं इसको। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने चूल्हा सेट कर लिया है, अभी चूल्हा सेट किया है, और ये देखें जब भी मैंने नाश्ता बनाया था पहले नाश्ता किया पुराने चूल्हे पे, मैंने चाय बनाई, बच्चों को नाश्ता करवाया है, और फिर हमने चूल्हा सेट किया है नया वाला, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा खुशी, इनको बच्चों को क्या इतनी ज़्यादा खुशी होगी, मुझे ज़्यादा खुशी है नए चूल्हे की, कब से मुझे लेना था तो अभी शुक्र है अल्लाह का ले लिया। अभी अलीजा फिजा खा रही हूँ दोपहर का खाना, अभी आई है ये लोग मदरसे से सिपारा पढ़ के, आज मैं गई नहीं हूँ, बस काम इतने ज़्यादा थे करने वाले कि मैं, हाँ जी ठंडी ठंडी लस्सी पी के मज़ा आ रहा है, मैंने लस्सी बना के रखी, मैंने कहा कि पियेंगी मेरी बेटियाँ खाना खाएंगी सही, और अभी मैं जा रही हूँ बाजी के पास, चल से आई हूँ बाजी के पास, गई नहीं हूँ, मैंने कहा चलो बाजी को मिल के आती हूँ, ठीक है
अभी आप लोग घर बैठे हो, भैया बैठा हुआ है और आप इसी आने वाली है, सही है। तो मैं बाजी को मिल के आ रही हूँ, अभी जाती हूँ बाजी को मिल के आती हूँ। और गलियों में लोग बाजी के घर से आए हैं, बाजी के पास काफ़ी देर बैठी रही, बातें बातें की हैं, बातें काफ़ी दिनों बाद गई, एक महीने बाद मैं और बाजी मिले हैं, तो मैंने काफ़ी देर बातें की हैं। फिर मुंडहा के पास गई, मुंडहा को मिली, अभी आई हूँ घर, तो घर में मेहमान आए हुए हैं, अभी मैंने कहा चाय बनाते हैं, तो अभी देखें चाय बना रहे हैं, चाय हमारी तैयार हो गई है, साथ में ये रख रहे हैं। मैंने कहा बिस्किट लेके आऊँ, बिस्किट लेके आई हूँ, हटाओ ना आलीजा बेटा, इस पर छिट जाएंगे, इस पर छिटे चले जाएंगे, तभी पीते हैं चाय। अलीजा को बोला है मुझे बर्तन धो के दे दो, कितने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं। हाँ, इतने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं, थोड़े इतने ज़्यादा भी नहीं है, खैर है थोड़े हैं। उसको ये लोग खाना खा रहे थे, तो मैं जब जा रही थी तो मैंने कहा चलो आके बर्तन धोऊंगी, अभी मेहमान आए हुए तो अभी बस चाय वगैरह पीते हैं। चलें जी अभी पीते हैं चाय और मेहमानों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर खाना बनाना है शाम का। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाहर समोसा वाला आया हुआ है समोसे बेचने के लिए, उसकी आवाज़ आएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो जी अल्लाह हाफिज़।